हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा क्लियर एकदम? चल स्टार्ट कर ले क्या? व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट? कल क्या देखा था हमने? मैनेजमेंट मतलब क्या? टू गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम दी अदर, दूसरों से किस तरीके से आप काम करवा के लेते हो। और देखिए एक चीज समझिए कि बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। क्या कि भैया काम करने का हर किसी का तरीका अलग है, काम करवा के लेने का तरीका अलग है, हर किसी के पास में अपनी अपनी टेक्निक्स है ना। तो ये मैनेजमेंट जो स्किल्स होती है तो ये कैसे होती है? डेवलप की जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, आपके ट्रेनिंग से। इसीलिए तो कंपनीज क्या करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती है, ताकि आपके अंदर में ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है आपको? ह्यूमन रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि उनको ही मैनेज करना पड़ता। सर मतलब कैसे? मैंने फैन का बटन अगर ऑन कर दिया वो अपना घूमता रहेगा जब तक मैं बंद नहीं करूंगा, सेम कंसिस्टेंसी पे। इंसान का ऐसा है, मैंने काम दे दिया मैं चला गया, काम होते रहेगा नहीं, कंटिन्यूस ध्यान देना पड़ेगा। महानुभव व्यक्ति है, पता चला मैं गायब, नजर मार के देखेंगे सर गए, बोले काम शुरू, ठीक है ना? और क्या, अरे 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 क्या ढूंढ रहा भाई?
बहुत मुश्किल जाता है यार, पढ़ाने के साथ में मैनेज करना अकेला बहुत मुश्किल जाता है। चलिए, तो मैनेजमेंट देख रहे हैं, और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। इसीलिए तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन सेम रहती है, फंड सेम रहते हैं, पैसा उनके पास में इक्विवेलेंट रहता है, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर में ग्रो कर जाती है, किसी को टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजरियल स्किल। आपका मैनेजर, आपका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, वो कितने अच्छी से चीजों को हैंडल करता, कितने अच्छी से सिचुएशंस को हैंडल करता, वो सिचुएशन को देखने का नजरिया कैसा है। अब कितने लोग रहेंगे, एक आधी सिचुएशन को देखने का नजरिया रहेगा कि वो उससे डरते होंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीएमए करना, बोल नहीं रे भाई बहुत डिफिकल्ट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ स्टूडेंट ने उसके अंदर में अपॉर्चुनिटी देखी, अपॉर्चुनिटी ये देख ली, अगर ये डिफिकल्ट है मतलब ज्यादा लोग नहीं है, तो इसको हम करेंगे, जिसको कोई नहीं कर रहा उसके साथ में हम जाएंगे। देखो चीज एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल तरीका बता दो, कुत्ता। अब कुत्ता बोला, कितने लोगों को कुत्ते से डर लगता, कुत्ता इज इक्वल टू काटेगा, भोगेगा, है ना। मेरे दोस्त का सिंपल है, कुत्ता मतलब उसके लिए मौत, मतलब उसके दिमाग में एक ही फिट है, कुत्ता है मतलब पीछे पड़ेगा, भागेगा, काटेगा अपने को। वही लड़कियों ने अगर कुत्ता देखे तो बोले 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 बोले, उनको प्यार आ रहा। अभी देखो है चीजें की व्यूज अलग है ना, डिफरेंट अलग, वैसे सिचुएशन लाइफ में अलग होती है। आपका देखने का नजरिया कैसा, आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो, वो चीजें सब मैटर करता है, सिंपल सी बात है। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यहां पर आपका मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आप किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हो, टैकल करते हो, टेक्निक होनी चाहिए मैनेजमेंट। ये एक इतना आसान नहीं बेटा, देखो ऑर्गेनाइजेशन के पास में फंड है बट फिर भी कितने लोग फेल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास में मैनेजरियल स्किल नहीं होती उसके कारण, ठीक है ना। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अभी जाते जाते यही डिस्कशन कर रहे थे हम, किसके ऊपर में डिस्कशन कर रहे थे, कुछ याद है? ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर में। फैन का बटन दबाया, फैन घूम रहा है, बट इंसान का ऐसा नहीं, उसके ऊपर में कंटिन्यूअसली वॉच होना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम जब गोल सेट करते, टारगेट सेट करते, एम रखते, कोई उसको अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन लोगों को, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की, ह्यूमन बींग की, एम्प्लॉय की इफिशियंसी अफेक्ट करती है। मैं 5 घंटा सेम लेवल पे काम नहीं कर सकता हूं, कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है। तो उसको मोटिवेट रखने के लिए आपको मैनेजमेंट जरूरी है। फिर उसको मोटिवेट भी करेंगे, उसको कंट्रोल भी करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको डांट लगाएंगे, प्रमोशन की लालच देंगे, पैसों का लालच देंगे, तेरी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट हो, ये सब यही तो चीजें हैं। और भैया सबसे ज्यादा मोटिवेशन कौन देता है इंसान को, मॉनेटरी टर्म, पैसा, है ना। मैं अगर आपको सिंपल पूछूं, चौकीदार की सैलरी है, आप भविष्य में जब, है ना, कहीं पर भी जॉब करने जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, बट आपको असिस्टेंट की जॉब है और एक कंपनी में मैनेजर की जॉब है जिसकी सैलरी 25,000 रुपीज। बताओ कौन सी जॉब लोगे आप? बोले सर मैनेजर की। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम, सीरियसली। क्यों? रेपुटेशन मैटर्स ना, क्योंकि मेरे को यहां पे मैनेजर बोल रहे, वहां पे मेरे को किसी के हाथ के नीचे काम करना, यही लोगों की थिंकिंग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यही मेन प्रॉब्लम है। जो अपन आप अनएम्प्लॉयमेंट भी कभी इकोनॉमिक्स मंदिर में पढ़ोगे तो उसके अंदर में आप देखोगे कि यही तो इसका मेन रीजन है। हमको क्या चाहिए? व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। व्हाइट कॉलर मतलब क्या है? जैसे मेरे मन लायक है वैसी जॉब चाहिए, सैलरी भी हाई चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ढूंढते ढूंढते इंसान जॉब ही नहीं कर पा रहा, सिंपल सी बात है। फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है, फिर वो गवर्नमेंट को गाली देते बैठा है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो चलिए, अभी अपन मैनेजमेंट के साथ में, आपके मॉड्यूल के साथ में, यहां से आज से पढ़ना चालू करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अभी यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दी है कि मैनेजमेंट मतलब क्या है। तो इसके अंदर में आपकी फेमस फेमस है, अभी आपने ड्रकर्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना। फिर बाद में यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। तो सबसे पहली डिफरेंस लॉरेंस की आ रही है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ अ थिंग्स। थिंग्स मतलब क्या? हाँ देखो, इसमें जो हम इतने देर से बातें कर रहे हैं वही तो चीजें हम यहां पे पढ़ रहे हैं। क्या चीजों को डायरेक्शन नहीं देना है हमको? हमको किसको मैनेज करना है? लोगों को। मशीन को कभी आपको मैनेज नहीं करना पड़ता बेटा, सिंपल सी बात है। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, मैनेजमेंट कभी इसके अंदर में, कंपनी के अंदर में मशीनरीज का नहीं होता, किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का। बटन दबा तो चले जाओ, वो सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है क्या कि फैन 5 घंटे बाद में थक गया और रुक जाता है, फिर थोड़ा ऐसा मटक के घूम रहा होगा थोड़ा स्लोली, ऐसा ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मशीनरी, उसको ऑपरेट नहीं करना पड़ता। बट हमारे साथ में होता है ऐसे,
जी बिल्कुल। तो मैनेजमेंट यहां पे क्या है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द थिंग्स। चीजों का मैनेजमेंट नहीं करना है, चीजों को डायरेक्शन नहीं दिखानी है। डायरेक्शन किसको दिखानी है, इंसान को। मैनेज किसको करना है, इंसान को। एक्सीडेंट गाड़ी का होता है, बदनाम गाड़ी होती है, बट दोषी ड्राइवर रहता। बेटा ड्राइवर ही गाड़ी थामतस नहीं, अरे ब्रेक मारेगा तो रुकेगी ना, जाके भिड़ जाएंगे किसी को तो बोलेंगे गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, टाइम पे ब्रेक मारना, सिंपल है ना। खुद भागाएंगे एकदम स्पीड से और फिर बोलेंगे गाड़ी कैसी। चीजों को डायरेक्शन नहीं देनी है, ठीक है ना। गाड़ी खुद से जाती है क्या, उसको डायरेक्शन हम ही देते ना, हम कंट्रोल करते हैं उसको। बट ऑब्वियसली बाद में तो अपन बहाने ढूंढते रहते, समोर से चुकी होती, समोर से नौता भगत। ठीक है, आज तक के कभी ऐसा कोई मिला है आपको कि जिसका एक्सीडेंट और उसने बोला हो कि मेरी गलती थी? वी आर ऑलवेज राइट, आगे वाला गलत है। महिला है तो उम्मीद ही नहीं रखनी है, फिर तो आप ही गलत हो कि आप रास्ते में घूम रहे हो, सिंपल सी बात है ना। और क्या, मेरा तो बहुत सिंपल मोटिव, मतलब मेरा बहुत सिंपल समझना है ना, महिला और गाड़ी एक्सीडेंट फिक्स, महिला और फोर व्हीलर मौत फिक्स। और अगर फोर व्हीलर में महिला बैठी है और उस फोर व्हीलर के पीछे लिखा हुआ है एल, तो समझ जाना लाइसेंस मिला हुआ मारने का, है ना। कभी भी कहीं भी आ सकती, क्योंकि देखो टू व्हीलर तो भी एटलीस्ट सेफ है, जान से नहीं जाओगे, हाथ पाए जमा होगी। फोर व्हीलर जिसको रिवर्स गियर है वो पीछे भी मार सकती है, पता नहीं हैंड ब्रेक की जगह पर रिवर्स गियर डाल के उड़ा दे और बाद में बोल दे सॉरी वो सुनने के लिए तुम रहे नहीं, अब काय का इट्स ओके। रीजन सिंपल है, मैं ट्रक से और लेडीज की गाड़ी से मैं बहुत डरता हूं, ठीक है ना। हाँ, मैंने तो गवर्नमेंट को बीच में दरखास्त भी की थी कि दो लोगों के लिए एक सेपरेट लेन बनाओ, जैसे बीआरटी होता है ना बस के लिए, बस रिजर्व ट्रांसपोर्ट वालों के लिए, उनके लिए वैसे एक और रोड बनाओ, हमारा आधा रोड जाएगा हमको चलेगा, एक ये 60 प्लस वालों के लिए और महिलाओं के लिए, तुम एक रोड में चलाओ, फिर एवरेज देखना कि कौन से लेन की एक्सीडेंट ज्यादा होते है ना। ये बुजुर्ग लोग और महिला है, माना बाबा ना, कभी बुजुर्ग लोगों को गाड़ी चलाते हुए देखा आपने? एक तो फर्स्ट लेन से चलाते 30 की स्पीड से, आप हॉर्न दे दो तीन बार हॉर्न देंगे नहीं, चौथी बार में मूड ऐसा खराब करेंगे कितना हॉर्न बजा रहा है, दिख नहीं रहा कि मैं जा रहा हूं, चचा बाजू से जाओ, ये फर्स्ट लेन है, यहां से फटाफट जाते लोग, तुम अपना पकड़ो ना रास्ता, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सीधे यमराज के घर ही जाएगा, वैसे अगर बीच में रहे तो ये घर नहीं जाता है, तो सिंपल है। उसमें भी वो चिल्ला पुकारा, और लेडीज तो क्या मतलब, पता है तुमको कि गाड़ी में जो सामने स्पेस रहती है ना स्कूटी पे, उस पर आप पैर रख सकते हो, देखो रख के रखे जाते हैं, लटका के रखने की जरूरत नहीं होती है ना। ये लड़कियों की चप्पल चलने से नहीं घिसती, वो पैर लटके रहते ना गाड़ी पे, उससे घिस रही है ये, है ना। और एक और अच्छा मेरा सॉल्यूशन है, अगर देश को साफ करना है तो इनके पाव को झाड़ू बांधो, सारे रास्ते साफ, जो सुबह झाड़ू पोछे के लिए जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। ये मतलब अगर 1 किलोमीटर का रास्ता काटते तो 400 मीटर पहले पैर नीचे रहते, फिर 100 मीटर आते नहीं कि फिर 400 मीटर नीचे, तो इस तरीके से ये 1 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही काटते 400-500 किलोमीटर तक, फिर 50 मीटर तक बस उतना ऊपर रख रहे, बाकी कुछ नहीं है ना। ठीक है, बताओ इन्होंने गाड़ी बैलेंस नहीं करी है, बट लोगों के लाइफ बराबर बैलेंस कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन, आओ फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है कोटेड अबाउट, इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, इज एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर अ रियलाइजिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन थ्रू आउट अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ अ मटेरियल रिसोर्सेस, है ना। गलत हो गई, पार्क में घूम रहा था, ठीक है आज इसलिए बोल लिया मैंने मन की बातें, आज अब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है, और सबसे खास बात पता, अपने सीएमए में सबसे ज्यादा लेडीज है। नहीं मैं बोलने के लिए विमेन भी बोल सकता था, बट आजकल विमेन वर्ड ही ऑफेंसिव हो गया, विमेन तो इसलिए मैंने लेडीज बोला, मैं समझदार हूं, ठीक है। अब खुद हंस रही है महिला, खुद हंस रही है ना, बन रहा है विमेन वाला जोक, नहीं खतरनाक है बाबा, विमेन इज विमेन। तो सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए एक्सट्रैक्टिंग वर्क, एक्सट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, निकाल कर लेना, बोलते ना जमीन से हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट की, किसी से किस तरीके से काम करवा के लेना, इट इज एंड मैनेजमेंट, ये टास्क है, टेक्निक है। आप भी तो यूज करते हो, आपके दोस्त को बोलते हो मेरे साथ चल, वो बोलता है नहीं,
फिर तुम अपना प्रोग्राम अपने दूसरे कार्ड खेलना चालू करते, भाई नहीं है तू मेरा, बराबर है तो मेरे साथ क्यों आएगा ना, तो उसके साथ में जाएगा। अरे दूसरे दोस्त के साथ में ना लायक आदमी, ठीक है ना, मैं लगते चुकुन तेरा, नहीं ठीक है ठीक है, हमारा भी टाइम आएगा, हम भी याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या कर रहे टेक्निक से, मतलब अंदर से इच्छा क्या है, उसने नहीं आना, नहीं इसको कैसे मैं अपना काम करवा लूं, कैसे आ जाए, ठीक है ना। कुछ लोग तो और भी प्रो रहते उसके अंदर में, चल तेरे को एक अच्छी जगह लेके जाता, चल वो सर पुणे में कहा अच्छी जगह, मैं घूम लिया पूरा, चल तेरे को क्या, तेरे को मस्त वड़ा पाव खिलाता, सब खा के बैठा मैं, क्या नया क्या है, कुछ बहाना चाहिए उनको कि इसको यहां से साथ में कैसे लेके जाऊं, चल तू अब नहीं आएगा तू मेरे साथ, अब ऐसा करेगा अकेला छोड़ देगा तू अपने सर को। अब आदमी क्या बोलता, नहीं, क्योंकि उनको गाड़ी चलाने का आलस है ना सिटी में, 10 बार ब्रेक मारो, वो अपने फोन चलते रहता, हेलो हाँ ले ले ये लॉट ले ले, हाँ वो बेच दे उसको, शेयर बेच दे, हाँ शॉर्ट सेल कर, हाँ उधर से 5 पेटे आया 10 पेटे आया, चलने दो सर का क्या, पैसा आ रहा पैसा जा रहा, लगे ला टू व्हीलर का ड्राइवर, खतरनाक है सर का कार्यक्रम, तो उनको चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम आप करवा के ले सकते हो, आपको मैनेज करते आना चाहिए। अब सेकंड यहां पे दो वर्ड आए, इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, इंटर रिलेटेड, क्या एक दूसरे से रिलेटेड ही क्या चीज है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लिंकअप है। अरे हाँ या ना, ना मैं बताता हूं आपको अगले 2 मिनट के अंदर में, सर ऑफलाइन भी है क्या, हाँ बेटा है ना। और कोऑर्डिनेटेड व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना बेटा, काम करना नालायक को। अब इंटीग्रेटेड मतलब क्या, देखो सिंपल बात है, डीमार्ट गए होंगे, नहीं ज्यादा मैं ऐसे एकदम बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं लगे जो रेगुलर लाइफ में, ताकि हमको समझे। डीमार्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट है, पहले तो वो परचेस करके लाते होंगे ना कहीं से माल, माल मतलब गुड्स है ना, हाँ ये 2-4 शब्द देखो मैं आज क्लियरिफाई कर देता हूं, इसका कोई दूसरा अर्थ ना निकाले, क्योंकि ये तीन वर्ड है भैया, हिंदी मराठी इंग्लिश, एक माल आइटम और दूसरा सामान, इसका मतलब यहां पे गुड्स होता है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, कृपया दूसरा मतलब ना निकाले, है ना। हाँ मैंने कल भी बताया कि मैं जो बोलता हूं उसके लिए जिम्मेदार हूं, आप जो सोचते हो उसके लिए नहीं। तो परचेस, एक परचेस डिपार्टमेंट होगा, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाला है क्या, अरे हाँ है ना, अकाउंटिंग वाला है क्या, इतने तो मालूम है हमको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, बाकी के 4 डिपार्टमेंट है। क्या ये चारों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, ये हाँ या ना, अरे बाबा हाँ, क्यों, जब तक के परचेस डिपार्टमेंट परचेस नहीं करेगा, सेल वाले क्या बेचेंगे। सोचो ना आप डीमार्ट के अंदर में कितनी बार आप देखो कि आप जाते हो मैगी वाला सेक्शन, जनरली वो बहुत बिकता, क्योंकि बैचलर से लेके मैरिड तक के सब सदमे में, नहीं मतलब जिस पर्पज के लिए उसने शादी करी थी कि 2 टाइम का खाना मिलेगा, वो अभी भी मैगी ही खा रहा है ना, क्योंकि वो मैरिज एनिवर्सरी भूल गया होगा तो, और क्या, सिंपल है, उसको जोमेटो टोमेटो के कूपन नहीं मिले होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या है, परचेस, तो वो देखना कभी भी खाली हो गया तो वो सिंपली फोन करता गोडाउन में कि भैया स्टॉक रिफिल कर यहां पे, और उसने उधर से फोन कर दिया कि नहीं इधर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऐसा आज तक हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, वो पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है ना, वो पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, यहां पे क्या इन्फॉर्म कर देगा कि भैया स्टॉक खत्म हो चुका है, रिफिल करो। सेम गोडाउन वाला भी बोल देगा कि भैया 2 दिन का स्टॉक है, 5 दिन का स्टॉक है, रिफिल करो। रीजन सिंपल है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, परचेस डिपार्टमेंट वाला। बट अभी परचेस डिपार्टमेंट जब तक परचेस नहीं करेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर आके पूछा, क्या ये किधर है मैगी नहीं रखे हुआ इधर, कस्टमर आके वापिस जा रहे हैं, किधर है मैगी, वो बोलेगा हम क्या करें सर, हम सेल्स वाले, परचेस वाले ने दिया नहीं हमको, परचेस वाले के पास पहुंच गया, सिंपल है ना, किधर जाएगा परचेस वाले, बोले बुला के ला उसको, परचेस वाले को बुला, क्या रे भाई किधर है, तुम्हारे को समझता नहीं, वो बोलेगा मैं क्या करूं, ये अकाउंटिंग वालों ने पैसा नहीं दिया मेरे को, मैं कैसे परचेस करेगा, वो पैसे ही नहीं दिए, पैसा देते तो मैं परचेस करता ना। तो यहां पे अकाउंटिंग भी डिपार्टमेंट है ना, अकाउंटिंग वालों का हिसाब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कितना आया, अकाउंटिंग वालों को पैसा भी देना पड़ेगा ना, तो इसने पैसा नहीं दिया, हाँ हाँ तुमको क्या लग रहा था ये लास्ट में, नहीं बेटा सबसे फर्स्ट में तो पैसा वाले आते, पैसा नहीं दिया। सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट करके कर क्या लेगा, मार्केटिंग कर रहा हूं प्रोडक्ट इश नहीं है, नहीं हमने क्लास के एडवर्टाइजमेंट कर दिए, फ्री क्लास फ्री क्लास फ्री क्लास फ्री क्लास फ्री क्लास, बच्चा आया क्लासरूम इश नहीं है,
सर भी नहीं, कुछ नहीं, हमको नहीं मालूम था तुम आएंगे करके, ऐसा अगर बोल दिया किसी ने तो हमको थोड़ा लगा कि आ जाएंगे तुम सच्ची में भी। यार कैसे लोग यार तुम, मुंह उठा के चल दिए फ्री बोल दिया तो, सच्चे आ गए, चलो बैठो फिर कुर्सी लो बैठो, अरे कुर्सी मेरे लिए लो तुम नीचे बैठो ऐसे करना पड़ता था, नहीं ना सिंपल सी बात है। हाँ ऑफलाइन है भाई अथर्व, रीजन सिंपल है, मतलब क्या है यहाँ पर सारे एक दूसरे से लिंक्ड है और सब अगर अच्छी से काम करेंगे तो सबका पर्पस, सबका मोटिव, सबका टारगेट एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देना, वो फुलफिल होगा, रीजन सिंपल है। इसीलिए तो आप अगर देखो कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर अपॉइंट रहता है, हर डिपार्टमेंट के लिए, अगर डिपार्टमेंट में नहीं हर प्रोडक्ट का जो सेक्शन रहता है वहां पे एक सुपरवाइजर रहता है, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए वहां पे वो लेडीज वेडीज रहेंगे, सर हाथ न कलाओ ते सील पैक है ओपन वाले तिकड़ा है ते मारा अंगाला होगा सील पैक ओपन न कर जो लड़के खरीदते कम है, इनको मालूम है कि अगर कहीं बाहर जाना और ये अगर परफ्यूम भूल गए, सिंपल है डीमार्ट में जाओ बोले सर अच्छा आइडिया दिया जाओ और क्या, ये तो करते बच्चे घूम गए, ठीक है ना। मैं आपको जनहित में सूचना देता हूं, कोई सातर रोड वाले डीमार्ट जाते हैं क्या, सातर रोड वाला, सातर रोड वाले अगर डीमार्ट गए और कोई चीज अगर वहां पे नहीं मिली तुमको, राई जीरा कुछ भी, मेरे को फोन करो तुम, मैं इतने साल से जा रहा ना वहां के एम्प्लॉय बदल गए, मैं कंसिस्टेंट है, मैं लॉयल है, इससे पता चलती मेरी लॉयल्टी कितनी है, उनका एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा लेकिन मैं नहीं छोड़ के गया आज तक के, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते क्या नहीं, अच्छा स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते क्या नहीं, हाँ या ना, नहीं बोल ही नहीं सकते। एग्जाम भावा मैं इकोनॉमिक्स दाखो तो तू अकाउंट्स दाखो तू मैथ्स दाखो, उधर सेटलमेंट पहला देखो, पहला काम क्या करते अपन जब अपना रोल नंबर आता, सबसे पहले देखते अपने आगे कौन, अपने पीछे कौन, और लड़कों का सिंपल है, लड़की अगर आगे या पीछे है मतलब पढ़ाई वाली होगी, क्योंकि हमको मालूम है लड़के हमारे जैसे इतने ठल्ले होंगे, बाबा तुझे कह डाले है ना, अरे बाबा का इतना डाले तुला कह सांगू काल तर हॉल टिकट मिला ले डाले, वो बोलते तुला तरी काल में मैं तो अब तो सकल ही गुना ले है ना, तेपन विसर लो तो बाहर में जेरोक्स कर ले, होगा इनका अलग ही चल रहा है। फिर अगले इसमें और भी कोऑर्डिनेट करते, एक काम कर तू चार चैप्टर पढ़, मैं चार चैप्टर पढ़ता, आठ चैप्टर टोटल, ठीक है। फिर कभी कभी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता क्योंकि इसके पेपर में वही आंसर है जो इसने पढ़ के वो निकल जाता वैसे लिख के, है ना, फिर वो मन से अंदर से उसके घर वालों को याद करता। तो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करते क्या नहीं तुम, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते एकदम अच्छी से। देखो एग्जाम सेंटर के अंदर में ना असली इंसानियत जागती तुम्हारी, दो दुश्मन भी दोस्त बन जाते, भावा बघ तुझं माझं चिका असेल बाहेर, परीक्षा आहे आपल्याला मिळून काम करायचंय, है ना, एकदम अचानक से तुम्हारे अंदर का भाईचारा ब्रो प्रेम सब जाग जाता एक साथ में। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ में आपको इंटीग्रेटेड है क्या, इंटर रिलेटेड है क्या, जी हाँ। सिंपल सी बात है, परचेस डिपार्टमेंट के पास में फॉर एग्जाम्पल ऊपर चले जाओ और ऊपर चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है फॉर एग्जाम्पल जहां पे गुड्स बनने वाले, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के पास में अगर रॉ मटेरियल ही टाइम पे नहीं आया तो किस पे अफेक्ट होगा बेटा, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे, अरे हाँ या ना, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो टाइम पे सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट गुड्स डायरेक्ट तक के, वहां तक नहीं जाएगा मतलब मार्केट में नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं जा रहा है पहुंचा नहीं टाइम पे गुड्स, टाइम पे बिकेगा नहीं, सेल नहीं होगा, टाइम पे सेल नहीं हुआ तो प्रॉफिट होगा क्या, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम था वो फुलफिल होगा क्या, नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। देखो सबसे नालायक और सबसे है ना बोलते ना खतरनाक चीज कोई है तो कस्टमर, कस्टमर कभी लॉयल नहीं रहता, कभी आपने देखा है क्या ऐसे आपके साथ में हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है तेरे को, कोल्ड ड्रिंक कौन सी पसंद है, कोक, अभी तू गया और तूने बोला कि अंकल कोक दो, उन्होंने बोला कोक नहीं है, तो तू क्या करता, कब आएगा, कल आएगा, ठीक है कल सुबह जाके लेके आएगा कोक, झूठ है ना, कोक है नहीं, पेप्सी दो, थम्सअप दो, मिरिंडा दो, सिंपल है, मैंने डायरेक्ट कंपनी बदल दिया, मेरे को मेरी वांट फुलफिल करने इधर नहीं है, मैं दूसरी शॉप में चला जाऊंगा, ऐसा होगा कि मैं लॉयल इधर ही, नहीं नहीं बाबा कोक है वो, कोक को बुरा लगेगा, नहीं सिंपल सी बात है। तो ये देखो ओवरऑल अफेक्ट करता, अब देखो ये लग रही छोटी चीज है ना आपको, अब मैं आपको सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए मत पढ़ो,
जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो इसका इंपैक्ट समझो क्या है। अगर ये कोक पीने गया था, इसने कोक ना खरीदते हुए अब क्या खरीदा, थम्सअप खरीदा, इसको थम्सअप की टेस्ट अच्छी लग गई, नेक्स्ट टाइम क्या डिमांड करेगा, गया कोक का विषय खत्म। कस्टमर ऐसे ही रहता है। हेयर कट जनरली लड़कों का और लड़कियों का भी तुम्हारा सेम, ब्यूटी पार्लर ऐसे ही, क्या फ्रिक्वेंटली कोई भी ब्यूटी पार्लर में जाते, फिक्स रहता ना ब्यूटी पार्लर, है ना, नहीं जाते। मैं जा रहा घर, लड़कियां ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहे, ये देश की इकोनॉमी गिर जाएगी अगर ये ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर दे तो, ठीक है ना, नहीं तो क्या। सर पवन सर, हाँ बेटा सुबह प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी का, अब लाइट आ गई, ठीक है ना, काहे को टेंशन ले रहे हो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या है, अभी फिक्स रहता जनरली, अभी जैसे लड़कों का भी रहता हेयर सलून वाला फिक्स रहता, क्योंकि उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता, उसको पता, वो आता अपना प्रोग्राम को शुरू कर देता। लड़कियों का भी सेम है, अगर ब्यूटी पार्लर कहीं जा रहे हो वो फिक्स रहता, शॉपिंग के लिए जाते तो भी फिक्स रहता, तो उनको मालूम है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये कस्टमर रिटेन करके रखना है, तो ये सारे चीजों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, जैसे वो पेरेंट्स है ना, दो पेरेंट्स गांव से आए थे, सीरियसली रंजन गांव से दो पेरेंट्स आए, उनके साथ में उनके स्टूडेंट है। अगर मैं लेक्चर में से उनको बात करने नहीं जाता, एंटरटेन नहीं करता, एंटरटेन करना मतलब उनको अटेंड करना नहीं करता, तो अभी यहाँ पे अपने पास में ऑफिस अटेंडेंट नहीं है, वो कहीं और चल जाते, वो भी वापिस कभी नहीं आते, ऐसा है क्या, चलो ये एग्जाम कहीं और से दी, दूसरे एग्जाम में सर के पास में जाएंगे, नहीं, जहां पे चले गए वहीं से पास हो गए, वहीं पे आगे कंटिन्यू करेंगे। रीजन सिंपल, मैं मेरा कस्टमर है ना, कस्टमर तो नहीं है वो, स्टूडेंट है, न तो मत बोलना हमको कस्टमर देख रहे सर, हम कस्टमर दे रहे हैं आपको, ठीक है, हम प्रोडक्ट वोडक्ट खरीदने आए, लेकिन अरे बता रहे, बट मेरा तो कस्टमर चला जाता ना, रीजन सिंपल है, जबकि मेरा नुकसान कुछ नहीं होता, पैसे थोड़ा ना मिल रहे, बट दुआएं मिलती ना, बेचारा गांव से आता और गणपति के क्या पता आते थे, प्रसाद मंगाएंगे उनसे, तो सिंपल है, ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है बेटा, रिलेटेड है। देखो सेम हमारे क्लास के अंदर में भी है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब सिर्फ यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट है ना, वो सब चीजों को मैनेज कर, उसको मैनेजमेंट नहीं बोलते, मैनेजमेंट के अंदर में हर वो एक्टिविटी आती है। देखो सिंपल है, मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्ट बनने से लेके कस्टमर तक की जब तक की चीजें पहुंचाई जाती है, उसके बाद तक के आफ्टर सेल सर्विस तक के, वो किसके अंदर में आता है, मैनेजमेंट का पार्ट है बेटा, है ना। आज सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी लाया, टीवी इंस्टॉल करने के लिए उनका आदमी नहीं आया, जिंदगी में कभी वो कंपनी का टीवी नहीं परचेस करेंगे, ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया तो उसको रिटर्न कर देंगे, बेटा ऑनलाइन कस्टमर की आजकल डिमांड बहुत हो गई, चल वापस नहीं चाहिए, डिफेक्टिव पीस लिख देंगे, कुछ बड़ा सारा भयंकर रिव्यू उसको डाल देंगे, नहीं तो क्या। रीजन सिंपल है, यहाँ पर हमने नहीं बुलाएंगे अपने लेक्चर में घोर खलिफ, अरे आ जाना भाई तू अपने गोद में लेके आऊ तेरे को, है ना। सो रीजन सिंपल, अब क्या है कि देखिए यहाँ पे कस्टमर आने से लेके, स्टूडेंट आने से लेके एंड तक की सारी चीजें मैनेजमेंट का पार्ट है। स्टूडेंट आ गया, अटेंड करो, अटेंड किया, इंफॉर्मेशन सही दो, इंफॉर्मेशन दिया, क्लास का टाइमिंग सही, क्लास का टाइमिंग में सही, पढ़ाना वाले आदमी भी सही, ठीक है, तभी तो वो वापस आएगा। फिर नोट्स टाइम पे, क्लास के टेस्ट टाइम पे, रिजल्ट्स टाइम पे, मीटिंग्स टाइम पे, ये सारी चीजें जब होगी, ये सारी चीजों को मैनेज करना, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और अब एक बात समझो कि मैनेजमेंट क्या ये वन टाइम प्रोसेस है क्या, नहीं, सिंपल है, जब तक के बिजनेस है, जब तक के ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक के कंपनी है, तब तक के मैनेजमेंट है। और बिजनेस कभी एक टाइम के लिए करते क्या आप, एक दिन के लिए, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, दस साल, एक जनरेशन, नहीं, एक ही स्पोर्टिव है, लाइफ टाइम, जब तक के चलेगा तब तक के बिजनेस चलाते रहेंगे, फैमिली टू फैमिली। तो सिंपली बात है कि मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कैसा, इंटीग्रेटेड है, और मैनेजमेंट के अंदर में आपको लगेगा कोऑर्डिनेशन। व्हाई कोऑर्डिनेशन, अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज को आपको मैनेज करना है। जब तक कि एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करोगे नहीं, तो आपका ऑब्जेक्टिव, एम, टारगेट अचीव होगा नहीं, ठीक है। चक दे इंडिया मूवी देखी यहां पे सबने, चक दे इंडिया, हाँ या ना, देखो लास्ट वाला सीन याद करो, शाहरुख खान, देखी नहीं देखी, तो वो है ना एकदम गुस्से में लास्ट में बेचारा मोटिवेट करके आता, जानबूझ के पिन मार के आता, बोले मुझे नहीं पता कल के मैच में हम जीतेंगे या हारेंगे, बट जिस तरीके की मतलब मैं पुणे वर्जन, पुणे के हिंदी वाला वर्जन, जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है तुम्हारा फटके देना पाइजे, क्योंकि दोनों अपने अपने लिए लड़ रही ना, एक बोलती मैं ज्यादा गोल मारूंगी, छोटी बोलती बटली बोलती मैं ज्यादा गोल मारूंगी, लंबी बोलती मैं, दोनों झगड़ रहे आपस में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक दूसरे को पास ही नहीं करते ना बॉल,
वो अपना बॉल लेके वो भाग रही गोल की तरफ में, इसको मिली ये अपने गोल की तरफ में, बोले इधर नहीं इधर जाना था, महिला विमेन मैंने मला काय माहिती, मला फक्त सांगितलं बॉल मारायचं गोल मध्ये, कोणता सडला ते माहिती नाही. और क्या, अरे मेन मोटिव यही था हमारा. तो रीजन सिंपल है, क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं था, टीम वर्क. तो यहां पे क्या है, जब तक कि आप एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, टीम वर्क नहीं रहेगा, आपका एम ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव नहीं होगा. और लास्ट वाले इसमें वही क्लाइमेक्स डाला उन्होंने, है ना, कुछ तो भी ना हो रहा था, फिर फटक गोल, है ना, गोल विल मारते, लास्ट वाला गोल वही मारते ना, अरे वो डिफेंड वाला नहीं रहे, तुम उस पे जा रहे हैं शाहरुख का, वो वाला नहीं, ठीक है ना, गोल पे. मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ में मिलकर वर्कआउट करने का है. देन मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग व्हाट इज मीन बाय मोबिलाइजिंग, देखो मैं ये सारे वर्ड इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूं, बाद में डिस्कस के लायक नहीं बचेंगे बेटा, ये लिखते छोटे बहुत मीनिंग है. व्हाट इज मीन बाय मोबिलाइजिंग, मैं जब तक के सेंटेंस पढ़ता हूं आप बताओ. सर तुम्हें मैसेज नहीं बड़ा, मैं काय काय करूंगा, मैं लेक्चर भी लूं, मैं इधर का भी मैनेजमेंट करूं, मैसेज भी, सॉरी हाँ सॉरी अगली बार कर दूंगा. मोबिलाइजिंग द फिजिकल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग देयर यूटिलाइजेशन फॉर बिजनेस ऑपरेशन इन सच अ मैनर एज टू रीच द डिफाइंड गोल्स कैन बी रेफर्ड एज अ मैनेजमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको पता रिसोर्सेस कैसे बेटा, रिसोर्सेस आर, सुंदर, रिसोर्सेस आर ब्यूटिफुल, रिसोर्सेस आर बोले हैंड्स, कैसे रिसोर्सेस, अच्छा एक मिनट, मोबिलाइजिंग मतलब ब्रिंगिंग ऑल द रिसोर्सेस टुगेदर, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग, अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड, यस रिसोर्सेस आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड. ये देखोगे आप, ये देखा होगा ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने, रिसोर्सेस लिमिटेड है. अब लिमिटेड चीज है तो उसको कैसे यूज करोगे मैक्सिमम. अब आधे लोगों के होश उड़ गए ये वर्ड सुनते, बोले पागल आदमी है, एक जगह बोल रहा चीज है लिमिटेड, एक जगह बोलता चीज को मैक्सिमम यूज करो. अरे मूर्ख इंसान, मैंने बोला जो चीज हमारे पास में है उसको मैक्सिमम यूज करो, ताकि उससे कम से कम वेस्टेज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें. ठीक है, वैसे ये इंडियन लोगों को सिखाना नहीं पड़ता मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. हम मतलब मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम यूज कर लेते रिसोर्सेस का. ठीक है, और नहीं तो क्या, टूथपेस्ट फार तो जीव घेत, लाटन विटन जे भेटल म्हातारे लोक घरातली ते झाकण कापून त्याच्यात फिरून फिरून दात घासतात, छोड़ते ही नहीं उसको, टूथब्रश को भी नहीं छोड़ते. टूथब्रश खराब हो बाद में खिड़की साफ हो रही है उससे, गाड़ियां साफ हो रही है, नाले छिल रहे उससे, कुछ भी चल रहा है अपने यहां पे. टी शर्ट है, आदि किचन में पहुंचा हमारी टी शर्ट है, हम खुद उसके ऊपर में खड़े रहकर सोच रहे एक टाइम में मेरी फेवरेट टी शर्ट हुआ करती थी ये, नहीं है क्या आपके किचन में. मेरी मम्मी ना वाइट, मतलब मैं सीक्रेट बताता हूं मेरी मम्मी के, है ना, मेरी मम्मी ने अगर गलती से अगर कभी लेक्चर देख ले मेरे घर में जाने की चुहान दे, मेरी मम्मी की नजर रहती व्हाइट टी शर्ट पे, व्हाइट टी शर्ट, बनियान शर्ट, कॉटन वाले, है ना, उसको पता नहीं वो चीजें विंडो क्लीनिंग के लिए चीज दिखती, मतलब मेरे कपड़े एक ही पूछती कितनी बार पहनेगा वो टी शर्ट, फेंक देना उसको, मतलब फेंकना नहीं है, मम्मी की नजर है उस पर कि वैसे निकाल है इसको कैसे वैसे. ठीक है, और वो टी शर्ट मल्टीपर्पज यूज है, पहले घर पोछेगा नहीं तो गाड़ी पोछे जाएगी. आपके होली के टी शर्ट भी देखो, जूने कपड़े संभाल के रखते अपन, ये फेंकू नको तब दिवाली के साफ सफाई में काम आएगा, होली में काम आएगा. होली के एक दिन पहले आप क्या करते तैयारी, एक दिन पहले सुबह जूने कपड़े ढूंढते, है ना, और सच्ची बताना पैंट पहनते टाइम सांस रोक के पहनते, टाइट हुई भी रही थी ना बाबा हैप्पी होली, अरे धाव शकत ना रे. सिंपल है, अपन एकदम पुराने शर्ट वीट कितनी बार, तो लड़कों का सिंपल है, हम कैसे सेलेक्ट करते, हम कपड़े की खुशबू लेते गाठोड़े इतने कालर, हाँ चल जाएगा. और क्या है, हम आशिक थोड़ी ना कि वो एकदम न्यू सफेद टी शर्ट वाइट, है ना, हाँ फुल सेरेट चालू है ना, वेड़ लांगिल, वो फिर ऐसे हाथ वेद के निशान, है ना. मैं तो इस बार दो बार होली खेली सबने, है ना, एक रंगपंचमी को खेली और एक होली जलाते उसके दूसरे दिन ही खेली. मैं तो घर से ही ऐसे कपड़े पहन के निकला कि किसी ने कलर इसलिए लगाया, वो मेरे को पूछ रहे कपड़े खराब है तेरा चेहरा कैसे अच्छा. अब क्या बोले, वो जुरा दो दिन पहले वही पहन के घूम रहा था, वही पहन के घूम रहे, और रही सी थोड़ी ना इतनी
कि कपड़े एंजॉय करते रहेंगे करके, सबके घर में देखना, आज जाके किचन में देखना, दिख रहा होगा खिड़की में लटके हुआ उल्टा ऐसे पड़े हुआ टी शर्ट, वो कहीं आपका एक टाइम का फेवरेट टी शर्ट होगा, है क्या नहीं है? विंडो पूछ रही है ना, हाँ, घर वाले किसी भी चीज में उसको यूज कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। चलिए, मैनेजमेंट है बेटा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। देखिए आपके घर में भी बर्निया होगी दाल की जिस पे बोनविटा लिखा हुआ है ना, डाबर का वो जो तुम्हारा हनी था उसके अंदर में अचार भरा हुआ है क्योंकि वो अनब्रेकेबल है ना, थोड़ी सी ऐसी चीजें है किसी के घर पे, सब नया है करके लिखे हुआ है प्रॉपर नहीं, वी आर इंडियंस। देखो जाके आज दो तीन चीजें देखना घर में, अचार किस में रखा हुआ है, निरमा किस में रखा हुआ है, और दाल चक्कर किस में रखी हुई है, कोई ना कोई दवाई का ऐसी कॉफी वीफी के डब्बे होंगे जिसके अंदर में वो फिल किया हुआ। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना, इंडियन लोगों को सिखाना ही नहीं पड़ता है ना, हम तो फूड वेस्ट नहीं करते सर, सुबह की चपाती शाम को नहीं मिले, सकाळी पोळीचा चूड़ा करून खाते काय ना, आपण काहीच सोडत नाही, ठीक है ना। ब्रेड है, ताजा ब्रेड है तो मिसल पाव खाओ, नहीं है पुराना हो गया सेक के मिक्सर में पीस के उसको भी कुछ तो भी कहीं भी वापर ले लो, कहीं नहीं छोड़, कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि मोबिलाइजिंग मतलब क्या है, व्हाट इज मोबिलाइजिंग, मूव होना, मूवेबल, मोबाइल फोन। अच्छा टेलीफोन पता, टेलीफोन और मोबाइल में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, टेलीफोन की लिमिटेशंस थी, वो एक लिमिट के ऊपर में आप लेके नहीं घूम सकते थे, वायर था ना पकड़ के रखा था उसने, फिर बोलना पड़ता, ओ इकड़े आओ तुम, जो ऑफिस वाले फोन है जरा, ठीक है ना, लिमिटेशन थी। फिर वायरलेस वाले की भी 50 फीट की थी, उसके ऊपर मैं वायरलेस कैच नहीं करता था, फिर आया मोबाइल, अब तो बच्चे मोबाइल कहां कहां यूज कर रहे हैं, वही तुम जो सोच रहे हो, ठीक है ना। अरे क्लासरूम में ना, लाइक क्लासरूम में तुमने गुड मॉर्निंग चालू किया ना, फिर उधर घर वाले दरवाजा ठोकर, जल्दी आना 15 मिनट हो गया कब से बैठा हुआ अंदर, है ना, पप्पा ठोक रहे दरवाजा, मम्मी उधर से बोलती तो का यत्न मोबाइल घूम गया ले कानत हेडफोन है, इधर से फोन करते बाबा जरा आते क्या फार, हमको भी जाना है ना। देखो एक एक और फैक्ट मैं तुमको लाइफ का बताता हूं, ये तुम यकीन, देखो तुम हर चीज मेरे साथ में, देखो जब तक ये बैच खत्म होगा ना मेरे सब्जेक्ट का, जो मेरे पहले के स्टूडेंट है उनको पता है, तुम्हारे में एक नई पावर जनरेट होगी, इमेजिनेशन पावर, जो मैं बोल रहा हूं वो आप इमेजिन कर रहे होगे, मैं इधर बोलूंगा नहीं सच्ची बता रहा हूं, पिक्चर मेरा इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है सर, हर किसी की क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है, आप लास्ट में मैं बोलूंगा आप खुद इमेजिन करके हंस रहे होगे, सिंपल है। देखना लाइफ में सबसे महंगे वाले थॉट्स, कुछ बड़ा करने का थॉट वहीं आता है, बैठा बैठा 500 करोड़ तो कमाई लूंगा है ना, आज जाऊंगा ना देखना 100-150 का तो बैच बना के आऊंगा। लाइफ के जो सबसे बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं बस वो एकदम नाजुक घड़ी में लिए जा रहे हैं बेटा, है ना। देखना आप भी इमेजिन करोगे वहां पे बैठ के सबसे बड़े बड़े भयंकर थॉट आते हैं मैं कि हाँ। तो यहां पे क्या, मोबिलाइजिंग द फिजिकल ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फिजिकल मतलब कौन से, ये फिजिकल एसेट्स, ये हो गया इसको एक जगह से, जैसे हमने यहां पे सही आंसर दिया था कि जितने भी रिसोर्सेस है ना वहां उनको एक जगह पे लाना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पता क्या होता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी चीजें लगती है उनको एक जगह पे लेके आना, मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसका मतलब क्या है कि सारी चीजों को इकट्ठा किया है, आओ तमाशा करो। कॉलेज के अंदर बोलते ना कि ऑर्गेनाइज किया है, तुमको क्या करना है उधर, कुछ नहीं, अपना मुंह लेके जाने गए, सारी अरेंजमेंट हुई हुई है, हाथ वर्ती, बाकी क्या करी थी, बाकी कैसे करी थी आप लोग। तो फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या, स्टाफ लगेगा, एम्प्लॉइज लगेंगे वो, और देन फाइनेंशियल, पैसा, पीसो लगता ना भैया, पीसो सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। देखो पैसा बहुत जरूरी है, और सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, पैसों का मैनेजमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहां पे सबको 2000 रुपए बांट दिए, समझो घूरो मत, नहीं तो अभी 2000 रुपए दो ना, अभी बोला था आपने, गूगल पे फोन पे भी हमारे पास में, ठीक है ना, कितने लोगों के पास में गूगल पे फोन पे है, चल रहा है क्या, 1000-1000 रुपए भेजो देखता कैसा ना, खुद पे आया तो लगे हंसी में टाल रहे दोनों के दोनों, बैलेंस नहीं है झूठे नहीं तो क्या, 7000 के, 5000-7000 के करीबन बैलेंस है दोनों के मोबाइल में, अपने को नहीं बताएंगे, सच्ची बताना कितना, कितना 1000, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों रखी उसमें,
उसके बेसिस पे तूने पासबुक लिया, चेकबुक लिया, है ना? वो बैंक वाला भी बोलता होगा, मैडम एक्चुअली जेरोक्स के पैसे तो भी रखो उसके अंदर में, जितना हमने दिया उसके जेरोक्स के पैसे तो रखो, है ना? मैडम आप खा सकते हो लेकिन उसके अंदर में एक वड़ा पाव और एक कटिंग चाय, प्रॉपर 27 रुपए, 20 रुपए का वड़ा पाव, 7 रुपए की कटिंग, 27 खत्म, ठीक है ना? तेरे झूठ मत बोलना, देख जितना अमाउंट बोलेगा उतना ही तेरे बैंक में बैलेंस रहेगा आज, 7। देख मैं सही तो मैं मेरा गेसिंग यार, क्या बताऊं मैं, वकील होने के नुकसान ही, है ना? तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसों को किस तरीके से यूज करना है। जैसे मैंने आप सबको 2000 रुपए दिए है ना, और मैंने एक आधा काम दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको 2000 रुपीज देता हूँ बर्थडे का डेकोरेशन का सामान लेके आओ, एक आधा रहेगा जिसको एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा 2500 रुपए लगेंगे, एक आधा रहेगा जो नेट 2000 के अंदर में सब बिठा लेगा, बराबर मैनेज कर लेगा कट टू कट, एक आधा चालक रहेगा, चालक ब्रो वो 1800 में 200 रुपए सेव करके लाएंगा, अपने को देर से बताएंगे ये रख 200। क्या है? अरे सिंपल है, फाइनेंस का मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करते आना चाहिए, और लाइफ में वही पर्सन ग्रो करता है, वही कंपनी ग्रो करती है जो पैसों को मैनेज करती है, इसीलिए तो आपको अपॉइंट करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको मैनेज करना है चीजों को सर, और आपके पास में छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं है, सीधा कॉस्टिंग का, पैसों का, ठीक है ना? मतलब तुम इमेजिन करो ऐसा दरवाजा खोलेंगे पैसा पैसा, वो बोलेंगे आपको इसको मैनेज करो, आप बोलेंगे अब भी करता, लॉक लगाया, मैनेज, नाउ इट्स सेफ, लेट्स गो होम, और क्या? अपने पास में लाइफ में बहुत सिंपल सोल्यूशन है ना? ये भी बात आप देख लो, मैं आपको लाइफ के बहुत सारे फैक्ट बताता हूं कि जब मुसीबत खुद पे हो ना सोल्यूशन नहीं मिलता, और सेम मुसीबत उससे बड़ी मुसीबत किसी और पे हो ना अपन प्रो लेवल के सजेशन दे रहे हैं, अरे मैं बताता था ऐसे कर ले, है ना? दूसरों के लाइफ के अंदर में आपने बहुत सोल्यूशन, बहुत काम चल रहे हैं, खुद के टाइम पे फिर उधर ही जाना पड़ता सोचने के लिए। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन इन सच अ मैनर एज टू रीच डिफाइंड गोल्स कैन बी रेफर्ड एज मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को प्रॉपरली यूज करना, मैक्सिमम यूज करना, इसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है? इफ द व्यूज ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज आर कंबाइंड, मैनेजमेंट कुड बी डिफाइंड एज अ डिस्टिंक्ट ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ एलोकेशन इनपुट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एज वेल एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय अ टिपिकल मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सुना था? जी हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नेमली आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर इन द प्रोसेस वर्क इज परफॉर्म विद द थ्रू आउट पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एन एवरी चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। हाँ समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट के अंदर में हमने देखा कि भैया ह्यूमन एज वेल एज इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को तो मैनेज करना ही है, साथ में इन्होंने क्या बोला कि भैया आपको मैनेजरियल फंक्शन भी कैरी आउट करने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्या मेन पर्पस है इसके पीछे? अरे हर किसी का एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, टारगेट है, किसी कंपनी का मेन टारगेट, देखो दो कंपनी बताता हूं, एक आधी कंपनी का मेन टारगेट होगा ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना, और दूसरी कंपनी का मेन टारगेट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, अपने अपने मोटिव है ना। अब जो लग्जरियस कार वाले उनको कोई लेना देना नहीं है, अगर उनको मालूम है कि जिस कॉस्ट पे वो बेचते उस कॉस्ट पे कस्टमर खरीदता ही नहीं, तो वो डिस्काउंट देते हैं कभी कभी, देखा गया दिवाली स्पेशल ऑफर है ना, BMW फक्त 1 लाख आला, 1 लाख का डाउन पेमेंट करा BMW तुमच्या दारात, है ना? कारण की घराचं दार चुरणार रहते बोले इसमें तेरा घर चले जाएगा, शूटिंग सारखं फक्त एवढं दार असेल ते उघडून BMW बसायचं, है ना? अभी घर पे जाके बोलो कभी पप्पा BMW लेते का, त्याच्यात झोपशील का? त्याच्यापेक्षा 1BHK फ्लॅट घे भाड्याने दे, भविष्य तरी सुधरल, तसं तू काही अभ्यास करत नाही। घर वालों का अलग प्लानिंग चल रहा कि भैया BMW लेके क्या करेगा, 1BHK का फ्लैट ले, रेंट पे चढ़ा, 10-15 हजार रुपए आएंगे, एटलीस्ट कुछ सुधरेगा तो भी रे तू, तो ऐसे तो कुछ कमा नहीं सर जिस हिसाब से तेरे नक्षत्र दिख रहे, सिंपल सी बात है। तो हमारा मेन गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट है, जैसे अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बैचेस रन करने का, कि भैया बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, ये हमारा टारगेट है। हर किसी के अपने अपने टारगेट है, अभी तो अपना सोशल वाला है, चलो टारगेट है कि भाई हमारे को गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का, एकदम बेस्ट जो इंडिया लेवल पे कोई दे नहीं रहा, फ्री में तो बिल्कुल नहीं, है ना? आज ही मेरे को CA फाउंडेशन में एक बच्चा पूछा, बोले सर सच्ची बताओ, मैं क्या नहीं मतलब ऑनलाइन में सच्ची में, बोले सच्ची बताओ कि आप पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, वो रहता ना ऐसे, उनको फियर है कि 10-15 डेज पढ़ाएंगे, 20 डेज पढ़ाएंगे, 1-2 चैप्टर होंगे, फिर बोलेंगे फॉर फर्दर लेक्चर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्रिप्शन फीस, एप्लीकेशन का फीस,
मैं बोला नहीं रे भाई, अनकंडीशनल है, सब फुकट है, सब फुकट, नोट्स भी फुकट। हाँ प्रिंटेड नहीं देंगे, क्योंकि इधर इधर बहुत दर्द होता प्रिंट दिया के, किडनी निकालते क्या अभी। मतलब ऑफलाइन है, आके बैठ सकते हो, एसी है, चिल्ड में बैठो, प्रोजेक्टर है, बुक लाने की जरूरत नहीं, फाड़ के देखो आके, और क्या चाहिए भाई। सिंपल है, मेन पर्पज। अब यहाँ पे हमारे को दोनों रिसोर्सेस मैनेज करने, रिसोर्सेस ये भी हमारा रिसोर्सेस बिल्डिंग। हम जैसे ही ये फ्री स्पेस रहेंगे यहाँ पे दूसरा लेक्चर ऑर्गेनाइज कर देंगे। फ्री है, हम आपको सेल्फ स्टडी के लिए हमने बोला है कि बैठो, क्योंकि वैसे फ्री रहेगा, हमको क्या ही करना है उससे, आप यूटिलाइज करो ना उसको, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट इज इकोनॉमिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। हम तो भाग ही रहे, सुबह इंदुलाल, दोपहर को तिलक रोड, थोड़े से है ना इवनिंग वाला, दोपहर इवनिंग वाला प्रेस्टीज पॉइंट, शाम को सातारा रोड, घूम ही रहे। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, और हमको इतने लेक्चर मैनेज करने पड़ते हैं, पहला किसका, दूसरा किसका, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। देन यहां पे हम क्या बैच चालू करने के पहले सीधा कूद गए क्या? नहीं, हमने क्या किया होगा, सबसे पहले प्लानिंग किया होगा, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। सिंपल है, हमारे पास में फैकल्टीज लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब बैचेस के हिसाब से, और हमको, हमने जब कमिटमेंट दिया था तो हमने ये कमिटमेंट दिया कि आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगा, इसीलिए हमने एक एक सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया है कि जिसका जो स्पेशलाइजेशन है वो पढ़ाएंगा, ऊपर से सब ऑक्यूपाइड है, नेशनल लेवल फैकल्टीज है, तो वो बाकी के कोर्सेज में भी ऑक्यूपाइड है। पहले प्लानिंग किया कि किसको कब कैसे जमता है, फिर सारी चीजों को एक साथ में लाया, इसको ऑर्गेनाइज किया। ये क्लासरूम खंडर था, बेंचेस लाओ, ये प्रोजेक्टर, कल भी आप देख रहे यहां बैठे होंगे, उधर से वो ड्रिल मार ही चला है, चलिए ऑर्गेनाइजिंग सारी चीजें। देन हमको डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया कि कब तक के सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। देन कंट्रोलिंग, अगर हम सेम आज जैसे हमने कंट्रोलिंग एक्टिविटीज का नोट किया कि अगर कोई चीज अरेंज नहीं हो रही है, कोई अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको गाइड करो, उसको मोटिवेट करो, उसको बोलो कि भैया सर गाना करें ना, मेरे को आमी जो तुम्हारा वाला फीलिंग आ रहा है। क्या? हाँ हाँ, जो लाइट नहीं था ना सुबह, सब लफड़ा हुआ ना उसकी वजह से। अरे ये बेवकूफ है क्या, ये बेवकूफ है क्या, वन रिसोर्सेस मल्टीपल यूज, वही तो करना पड़ता बेटा ये जीवन में, ठीक है, और नहीं तो क्या। अब तुम्हारे यहां का टूथपेस्ट ले लो, ब्रश ले लो, वो डाई लगाने के भी तो काम में आता है, और क्या, मल्टीपर्पज यूज है उसका। विंडो क्लीनिंग कर रहे, किसके यहां पे विंडो क्लीनिंग के लिए वो सेपरेटली वैक्यूम क्लीनर है, या अलग से वो आता है ना कुछ, तो भी कौन सा आता है, वो ब्लो करता है एयर, फिर उससे उड़ जाता है सारा कचरा विचरा। हाँ क्या, हमको क्या मालूम, हम बाल पे यूज नहीं कर रहे हेयर ड्रायर, मेरे को तो मालूम नहीं था हेयर ड्रायर को वो हीट वाला भी रहता, नॉर्मल वोड भी रहता। एक दिन वो हीट वाला था, मेरे को बटन चटका, मैं वो बोला गर्म हवा काई को लग रही। अरे वो मेरे को क्या है कि सलून वाले ने बताया, इससे बाल रोल कर रहा था, मार रहा था, मैंने मारा, इधर जो बैठा ना ऐसा गर्म गर्म हवा, मैं आईला लालच हो गया इधर सिर, इतने सावले में लाल दिख रहा था समझो। तो अपने भाभी जी को बोले क्या ही चटका लग रहा, बोले इसमें ऐसा मोड रहता वो रहता, मतलब रहने दो भाई पकड़। मैं बेटर अपना टॉवेल बेटर ना, तो खिड़की खत्म, नेचुरल एयर ट्रा, ठीक है ना। देन यहां पर क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, नेमली आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिजायर बाय इट्स कस्टमर। हमारा मेन मोटिव क्या है, कभी भी जो भी कस्टमर की डिजायर है, वॉन्ट है, उसको फुलफिल करना, ठीक है ना। जो भी कस्टमर की वांट रहेगी आज के मार्केट के ट्रेंडिंग के अंदर में, हम वो वांट फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। हमने एक और चीज पढ़ी थी 12th स्टैंडर्ड के अंदर में, क्वेश्चन भी था ट्रस्टीशिप, वी आर द ट्रस्टी, फिर हमको कस्टमर की, हमारे को देखो रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी कस्टमर की वांट है उसको फुलफिल करना। हमारे को मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट थी, मोबाइल फोन लाए ब्लैक एंड व्हाइट, फिर हमको मस्ती थी कलर की,
फिर मस्ती थी, गाने सुनना, फिर टॉर्च आया उसके साथ में, मालूम है ना, टॉर्च घर पे होगा, ओल्ड फोन देखो, वो टॉर्च आया, उसके बाद में एफएम आया, फिर मेमोरी कार्ड 2 GB का, गाने, फिर कैमरा जिसके अंदर में सिर्फ मालूम पड़ता था कि मेल है क्या फीमेल है, उतना स्ट्रक्चर था। अब देखो, अब तो इधर का फोटो निकाल के पड़ोस के घर में कौन है वो दिख रहा, बेटा खड़े कौन है उधर, है ना, ऐसा, हाँ वो 108 मेगापिक्सल पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं तो क्या। इसके वजह से ना, कैमरे के वजह से हर इंसान अपने आप को फोटोग्राफर समझ रहा। देखो स्नैपचैट यूज करता, आज का वातावरण कैसा स्नैप पे पता चलता, बारिश आई, सब बारिश के स्नैप, तेरे अकेले के इधर नहीं आई, ये पुणे भावा सब भीगे हुए, तू अकेला नहीं है, है ना, थोड़ा सा सनसेट ब्यूटीफुल वाला गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, सब ने देख लिया, तू अकेला नहीं था, सब सब स्नैप स्नैप मतलब ये होता है, स्नैप की मेरी एक सिंपल डेफिनेशन है, स्नैप मतलब आप कितने रिकामे हो और आपने अपने अपने रिकामापन का टाइम कहाँ पे बिताया, मैकडोनल्ड क्या खा रहे, क्या पी रहे, किधर घूम रहे, अच्छा वहां तक ठीक था, ये रस्ते की भी वीडियो डाल रहे, है ना, ये मतलब गाड़ी पे पीछे बैठे हुए झूम विम करके विथ माय ब्रो आफ्टर लॉन्ग टाइम, पीछे गाना भी चला दे, है ना, ले जाए मुझे जहां हवाए हवाए, अरे भाई अगला उधर भी चालू कर देते, नको बाबा नको नको हो गया क्या। आजकल के रिश्ते वैसे भी स्नैपस्ट्रिक पे चलते, स्नैपस्ट्रिक टूटी रिश्ता टूटा, नहीं सीरियसली बच्चे वो स्नैपस्ट्रिक को लेके इमोशनली अटैच्ड है। मेरे को एक बार एक स्टूडेंट ने सुबह सुबह फोन कर दिया, मैं लेक्चर में था, कट रहा हूँ फोन, दूसरी बार तीसरी बार, मैं बोला इसको क्या इमरजेंसी, बोले सर जल्दी स्नैप भेजो, स्ट्रिक ब्रेक होगी, वो टाइमर लगेला है, बोला तू ये करे, मैं लेक्चर में बैठा इधर, मेरे को लगा कोई इमरजेंसी है, बोले सर वो स्नैप स्ट्रिक ब्रेक हो गए ना, बोले और वो कुछ नहीं बोल रहा सर, वो 400 की सर, अपन 500 टच करने वाले, कौन सा गिफ्ट रैपर मिल रहा है। मेरे को ऐसे मेरे को क्या लगता था पहले, मेरे को किसी ने बोला वो 100 डेज का होता ना, लाल लाल होता है ऐसे, तो मेरे को लगा ऐसे होगा तो कुछ बोनस पॉइंट, मेरे को नहीं मालूम ना, मैं ओल्ड स्कूल है, मेरे को लगा अगर ऐसा कुछ होगा कि 100 पे टच किया तो कुछ गिफ्ट आता होगा, कि भैया 500 1000 कुछ नहीं है, वेल्लेपंती है, और ये आपस में झगड़ रहे, देख रहे कि वो दो हार्ट ये रेड कलर का किसका, येल्लो, हाँ वो बेस्ट फ्रेंड मेरा येल्लो है ना, ऐसा कुछ तो रहता ना, येल्लो रेड पर्पल, खत्म इच कार्यक्रम है ना। इन दी प्रोसेस वर्क इज परफॉर्म विथ एंड थ्रू आउट पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एवरी चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। अब मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना आज का, क्या बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा सेम रहेगा, नहीं, हर दिन बिजनेस के अंदर में नए चैलेंजेस रहते, आपको हर दिन उस चैलेंजेस के साथ में डील करना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोविड आएगा, कोरोना आएगा, मैनेज करना पड़ा ना एक्टिविटी को, खत्म, लाइफ पूरी उल्टी हुई थी। अरे हमारा सोचो ना, जो टीचिंग के अंदर में लोग पहले टीचिंग क्या माना जाता था, बोर्ड बोर्ड पे लिखो ऑफलाइन, खत्म ही हो गया ना, सब घर पे बैठे हुए, बच्चे सबसे ज्यादा खुश, नो एग्जाम नो लेक्चर ओनली वाईफाई, वो और मैं, अरे मतलब मोबाइल फोन और मैं, फुल गेम खेलो, बच्चे आधे पागल हो गए थे कोविड में, वो पबजी 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 पबजी, फिर न्यूज आ रही थी सीरियसली कि बाप ने बेटे को डांटा, बाप को निपटा दिया, अरे मर्डर कर दिए लोगों ने घर वालों के, मैं तो पड़ोस के बेटे को एक दिन पहले डांटा था, मैं कितना फोन खेलता रहा, दूसरे दिन मैं बोला बेटा वैसे भी काम नहीं खेला कर, क्या पागल है, निपटा दिया अपने को तो उस, मैं बाद में उसके पापा को घूरा, मैं क्या काम है खेलने दो ना बच्चे को, उसके पापा मेरे को बोले, वो टीचर है ना अपन, कि यार दीपेश भैया आप बड़े हो, तुम्हारे भाई जैसा उसको डांटो आप, थोड़ा आप टीचर हो, आप बोलोगे आपकी सुनेगा, मैं डांट दिया, रात को देखा तो न्यूज पढ़ ली मैंने, मैं गलत डांट दिया साला, बाप जिंदा रहना चाह रहा पड़ोसी को मार के, मतलब मैंने निभा रहा पड़ोसी धर्म, तू अपना संभाल, तेरे से ना संभाल रहा मेरे से क्या संभालेगा, तेरा है मेरा है, आई मीन अरे तेरी बात सुनेगा मेरी बात सुनेगा, अरे अरे वैसे नहीं, अरे लॉजिक है ना, जो अपने पापा की नहीं सुना वो मेरी गाय को सुनेगा, ये वाली बात रही, तुम कहीं और मत लेके जाओ उसको, तो रीजन सिंपल है। तो क्या है यहाँ पे, हर दिन बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता, तो हमने एनवायरमेंट के हिसाब से आपको क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस अपने आप को ढाल लेना पड़ता है, अपन बोलते ना अपने आप को सिचुएशन में मोल्ड कर लेना, जैसे हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया, फिर हमने ऑनलाइन चालू किया, YouTube प्लेटफॉर्म हो गए, Google मीट हो गया, Zoom हो गया, हमको इसका जीरो नॉलेज था, हम क्या पहले से प्रिपेयर कर रहे थे क्या,
नहीं बहुत कम टीचर थे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे, फिर हमने सीखी ना चीजें, मैनेज कर रहे थे ना हम भी एक्टिविटीज। अगर नहीं करते तो आज एकेडमी स्टैंड ही नहीं करते, क्योंकि दूसरे अकाउंट अपॉर्चुनिटी इनकैश करके जाते, जबकि लिए वो हमारे लिए थ्रेड भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी। थ्रेड ये था कि अगर बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं, खत्म। अपॉर्चुनिटी ये कि अगर आप सेट हो गए तो आप कहीं की कहीं जा सकते हो। तो उस टाइम पे अपन ने महाराष्ट्र लेवल पे क्लास चलाया था और बहुत सारे स्टूडेंट थे अपने पास में, 500 प्लस स्टूडेंट उस टाइम पे भी थे। सिंपल सी बात है, तो ये हमने अपॉर्चुनिटी, सिंपल सी बात, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज करके लिया। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए कल सारे लोग ऑफलाइन आ जाना। आज जो इलेक्ट्रिसिटी का अभी थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि थर्सडे था उसके वजह से, है ना। बाकी कल तो नहीं आएगी ये डिफिकल्टीज, आई होप सो, होप ही कर सकते और क्या। देन कल अपन स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उससे पहले आज जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लेंगे और फिर कल चालू करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। चलो टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। और ऑनलाइन वालों आपको कैसा लगा लेक्चर प्लीज मैसेज करके बताओ। और ये चैनल मोनिटाइज नहीं है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। बेटा पढ़ाई की चीजें है, है ना, करोगे भला तो होगा भला, तो फटाफट शेयर करो इसको, है ना। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन। अब मैं भी हुई कि नहीं वो ऑनलाइन वालों से सीख रहा हूं, आपका एक लाइक दोस्तों, एक लाइक मेरी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, है ना। मेरे को सच्ची में जीत चमते नहीं, मैंने मेरे फोटो पे कभी, अगर कोई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा, मैंने आज तक के पहली बात तो फोटो ही नहीं अपलोड करी ज्यादा, 3-4 है, और उसमें कभी जिंदगी भी नहीं डाला कि न्यू रील अपलोडेड, न्यू पिक अपलोडेड, गाइज गो एंड चेक, गाइज प्लीज लाइक कमेंट शेयर, अजी बात नहीं, ठीक, खर्च नहीं इतना नहीं, बट हाँ एकेडमी के लिए कर रहे भैया, है ना। और मजा आएगा बेटा। सर होमवर्क, होमवर्क है आज जितना पढ़ाया सब पढ़ के, इतना सा पैराग्राफ पढ़ा है सर, मैथ्स का लगेगा लेक्चर सर है, नहीं मैथ्स नहीं बेटा, मैथ्स नहीं है, मैथ्स की जगह पे आपका आई थिंक सो लॉ होएगा, अभी आई है सर आ गए, है ना। हाँ मैं भी अभी वो रील वील देख के आएगा, रुको मैं भाई सच कुछ तो भी सीख के आएगा, है ना। वो एक था ना, अगर आपने देखा होगा बातें चल रही है तो बताता हूँ, वो जय महाकाल, है ना, फोड़ दो लाइक, हाँ हो गया हो गया। लॉ का है ना अभी लेक्चर, मतलब बच्चों को इन्फॉर्म करते, लॉ का लेक्चर है ना अभी। हाँ धोखा सर आ गए बेटा, इन्होंने नहीं दिया है धोखा, आ गए है सर, आ गए बेटा, यही बने रहो, तुरंत चालू होगा 2 मिनट के अंदर में।